नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सोने की राजकुमारी। सोने की राजकुमारी, कथा बिमल चटर्जी, चित्र प्रदीप साठे। किसी समय एक गांव में शिव प्रसाद नाम का एक युवक अपने अंधे व बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करता था। अपनी छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके किसी तरह अपना और अपने माँ बाप का पेट भरता था। एक बार उसके गाँव और आसपास के अन्य इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। बिना पानी के मवेशी मरने लगे और भीषण गर्मी से जमीन चटकने लगी और लोग इस भयंकर अकाल से त्राही त्राही कर उठे। अब तो गांव छोड़कर जाना ही होगा, वरना भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। माँ, पानी। ठीक है भाई, चलो किसी और नगर में चले। और लोग गाँव छोड़ छोड़कर दूसरे नगरों की ओर जाने लगे। गरीब शिव प्रसाद के पास न तो अपने बैल थे न गाड़ी, अतः वह एक बहंगी पर अपने अंधे माँ बाप को बिठाकर पैदल ही गांव वालों के पीछे पीछे दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। क्योंकि वह पैदल था और माँ बाप का बोझ उठाए था, इसलिए शीघ्र ही वह गांव वालों से पिछुड़कर रास्ता भटक गया। ओह, आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं, लगता है मैं मार्ग भटक गया हूँ। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? सामने ऊँचा पर्वत है माँ, और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। बेटा, तुम हमारे लिए क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? कितनी बार कहा है कि हमें हमारे भाग्य के सहारे छोड़ दो और अकेले चले जाओ। आखिर हम बूढ़ों की जिंदगी और है ही कितने दिन की। ऐसा मत कहो माँ, तुम दोनों ने अपना खून पसीना बहाकर मुझे खिलाया पिलाया और बड़ा किया, और आज मैं इस मुसीबत के समय तुम्हें भाग्य के सहारे तथा मौत के मुँह में छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए भाग जाऊँ? लेकिन बेटा, आखिर तुम कब तक हम अपाहिजों का बोझ ढोते फिरोगे? न तो हम देख सकते हैं और न चल फिर सकते हैं। तो क्या हुआ, मैं जो हूँ आपकी आंखें और हाथ पैर, अपने जीते जी मैं आपको कोई कष्ट न होने दूंगा। चाहे मुझे आपकी खुशी के लिए ईश्वर से ही क्यों न टक्कर लेनी पड़े। आप चिंता न करें, मैं अभी इस पहाड़ को पार करता हूँ। और शिव प्रसाद दूने जोश के साथ पर्वत पर चढ़ने लगा, परंतु जब कभी भी वह लड़खड़ाता। उफ, संभल कर बेटा, कहीं हम बदनसीबों के साथ साथ तुम अपने भी प्राण मत गवा बैठना। तुम चिंता ना करो माँ, तुम्हारे बेटा का रास्ता यह पर्वत तो क्या ईश्वर भी नहीं रोक सकता। ओह, कितने खुशनसीब हैं हम जिन्हें तुम जैसा बेटा मिला। अथक परिश्रम के पश्चात आखिरकार वह पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सफल हो गया। बेटा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मुझे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी है बेटा। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है, देखता हूँ कहीं आगे मिल जाए, तब तक आप यहीं आराम कीजिए। फिर शिव बहंगी वहीं रख पानी की तलाश में एक तरफ चल पड़ा। चलते चलते अचानक, आश्चर्य है, इस ऊंचे पहाड़ पर महल, वह भी सोने का, कौन रहता होगा उसमें? शिव महल के भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन वहां चारों ओर छाए सन्नाटे को देखकर वह और अधिक आश्चर्यचकित हो उठा। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं मैं किसी मायावी जाल में तो फंसने नहीं जा रहा। तभी किसी स्त्री की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ठहरो, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जलकर भस्म हो जाओगे। ओह, लेकिन इससे पहले कि शिव कुछ कहता, आवाज़ पुनः आई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम शिव प्रसाद है और मैं यहाँ पानी की तलाश में आया हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस पर्वत की राजकुमारी त्रिशूला हूँ, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद पर्वत की राजकुमारी। फिर शिव उस आवाज़ के निर्देशानुसार आगे बढ़ता हुआ एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जिसमें एक स्त्री की सोने की सुंदर मूर्ति खड़ी थी। शिव यह देखकर आश्चर्यचकित हो उठा कि वह आवाज़ मूर्ति से आ रही थी। बाई और कुंभ में पानी है, जितना चाहे ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? और यह आप सोने की मूर्ति के रूप में कैसे? मैं इस अवस्था में क्यों और कैसे पहुँची हूँ, यह मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकती। हाँ, यदि तुम्हें जल चाहिए तो मेरी एक शर्त तुम्हें पूरी करनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? तुम्हें रातों रात इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को खोद डालना होगा। इससे फायदा? जब तुम चोटी को तल तक खोद डालोगे तो तुम्हें उसके गर्भ से दो कलश प्राप्त होंगे। उनमें एक सोने का होगा और दूसरा चांदी का। वह दोनों कलश तुम्हें मुझे लाकर देने होंगे। थोड़े से पानी के लिए इतना मुश्किल काम? नहीं, मैं तुम्हारी यह शर्त पूरी नहीं कर सकता। सोच लो शिव,
यह पानी ही तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अनमोल और कीमती वस्तु है। यदि तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हारे माता पिता का बचना मुश्किल है। मैं अपने माता पिता की जान अवश्य बचाऊंगा। मुझे यहाँ से पानी ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, क्योंकि तुम मूर्ति बनी खुद लाचार हो। फिर शिव ने उस स्वर्ण कुंभ से लोटे में पानी ले लिया और लौटने लगा। सुनो शिव, बिना मेरी इच्छा के पानी ले जाकर तुम पछताओगे और तुम्हें मेरे पास फिर आना होगा। शिव ने स्वर्ण मूर्ति की चेतावनी की कोई परवाह नहीं की और वापस लौटकर उसने अपने माता पिता को पानी पिलाया। जुग जुग जियो बेटा। जैसे ही उसने स्वयं पानी पीना चाहा, अपने माता पिता को अचानक ही पत्थर के बुत बनते देखा। माँ, बापू, आह, यह तुम्हें क्या हो गया? तभी उसे पर्वत की राजकुमारी की चेतावनी का ध्यान आया। आह, कहीं यह सब उसी सोने की मूर्ति बनी पर्वत की राजकुमारी के कारण तो नहीं हुआ? जरूर यही बात होगी, मुझे उसी के पास जाना चाहिए। और शिव उसी समय बहंगी उठाकर महल की ओर चल पड़ा। यदि उसने मेरे माँ बाप को जीवित नहीं किया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शीघ्र ही वह पुनः उसी कमरे में पहुंचा जहाँ पर्वत की राजकुमारी की सोने की मूर्ति थी। क्यों शिव, तुम्हें मेरे पास लौटकर आना ही पड़ा ना? यह तुमने कैसा जादू किया पर्वत की राजकुमारी, मेरे माँ बाप को पत्थर का बना दिया। मेरी बात न मानने का यही परिणाम है। तुमने मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से पानी ले जाकर इन्हें पिलाया, उसी से वे पत्थर के बन गए। सुनो पर्वत की राजकुमारी, यदि तुमने इसी समय इन्हें पुनः जीवित नहीं किया तो मैं तुम्हारे पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा शिव, अब तो ये तभी जीवित हो सकते हैं जब तुम मेरी शर्त पूरी कर मुझे प्रसन्न कर दो। लेकिन तुम्हारी शर्त इतनी आसान नहीं, भला एक ही रात में इतना ऊंचा पहाड़ कैसे खोदा जा सकता है? यदि मन में लगन और दिल में हौसला हो तो सब कुछ किया जा सकता है। सोच लो शिव, एक तरफ तुम्हारे माँ बाप का जीवन है और दूसरी ओर मेरी एक छोटी सी शर्त है। ठीक है, मैं अपने माँ बाप की खातिर तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। तब ठीक है, तुम्हें महल के बाहर खुदाई करने के लिए एक कुदाल मिल जाएगी और जब तक तुम अपना काम पूरा करके लौट नहीं आओगे, तुम्हारे पत्थर के माँ बाप यहाँ मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। जाओ, अभी से अपने काम में जुट जाओ। शिव प्रसाद उसी समय महल से बाहर निकला और बाहर पड़ी कुदाल उठाकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की खुदाई करने लगा। परंतु अभी आधा पहाड़ ही खोद पाया होगा कि उसमें से एक विशालकाय पंजा निकला। उफ, यह क्या भला है? और उसने शिव को दबोचकर आकाश में उछाल दिया। काफी देर तक शिव हवा में कलाबाजी खाते रहने के पश्चात दूर एक नदी में जाकर गिरा। छपाक! शिव को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूबता चला गया और फिर शीघ्र ही बेहोश होकर नदी के तल में बैठता चला गया। उस नदी के भीतर जल परियों का देश था। उसके स्त्री सैनिकों ने शिव को देख लिया। अरे देख मानव, अरे यह तो बेहोश है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया है, बल्कि किसी दुर्घटनावश यहाँ आ पहुँचा है। खैर, इसे महल में ले चलते हैं, महारानी ही इसके जीवन का फैसला करेगी। उन्होंने बेहोश शिव को अपनी महारानी के सामने पेश किया। महारानी जी, यह हमारे देश की सीमा में बेहोश पाया गया है। चेहरे से तो यह कोई भोला भाला व्यक्ति मालूम पड़ता है, इसे होश में लाओ। जैसे ही एक जल परी ने शिव को कुछ सुंघाया, शिव को न केवल होश आया बल्कि वह जल परियों जैसे ही पानी में सांस भी लेने लगा। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? तुम इस समय जल परियों के देश में हो और मैं यहाँ की रानी हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम शिव प्रसाद है रानी जी। और फिर शिव ने रानी को सारी आप बीती कह सुनाई। मुझे तुम एक नेक और मात्र पितृभक्त इंसान लगे, इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई कुदाल देती हूँ। यह कुदाल उस पर्वत को रातों रात खोद देगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर उसने शिव को कुदाल की विशेषता बताई। अब मेरी सैनिक जलपरियाँ तुम्हें नदी पार करा देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। रानी का आदेश मिलते ही स्त्री सैनिकों ने शिव को नदी किनारे पहुँचा दिया। ए नेक इंसान, जाओ और पर्वत की राजकुमारी की शर्त पूरी करके अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराओ। लेकिन मैं उस पहाड़ पर इतनी जल्दी पहुंचूंगा कैसे? वहां तक पहुंचते पहुंचते तो सुबह हो जाएगी और पर्वत की राजकुमारी के कहे अनुसार भोर होने के बाद उसकी खुदाई करने से मुझे भी दोनों कलश नहीं मिलेंगे। चिंता मत करो,
रानी जी की दी कुदाल को कंधे पर रख कर पर्वत पर पहुंचने की कल्पना करो। यह कुदाल तुम्हें चुटकियों में उड़ाकर वहां पहुंचा देगी। धन्यवाद देवियों, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। शिव ने जैसे ही कुदाल कंधे पर रख मन ही मन पर्वत पर पहुंचने की कल्पना की। वह हवा में उड़ने लगा। अगले ही पल वह उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर था, जिसकी वह काफी खुदाई कर चुका था। अब इसके भीतर उतरकर बाकी की खुदाई भी पूरी करूं। चल रही जादुई कुदाल, जरा दिखा अपना कमाल। शिव के कहने भर की देर थी कि कुदाल उसके हाथ से निकलकर अपने आप तेजी से खुदाई करने लगी। लेकिन कुदाल को खुदाई करते हुए अभी कुछ ही समय बीता होगा। ओह, वही मुसीबत फिर आ गई रुकावट डालने। लेकिन जैसे ही वह भयानक पंजा शिव की ओर बढ़ा, कुदाल ने अपने आप उस पर भरपूर वार किया। वह भयानक पंजा गायब हो गया और जादुई कुदाल फिर से खुदाई में जुट गई। पूरी खुदाई होते ही धरती फटी, उसमें से दो कलश बाहर निकल आए। उनमें एक चांदी का था, दूसरा सोने का। वाह, वही है। जब शिव दोनों कलश लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां महल खड़ा था, तो वह आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि अब वहां महल का नामो निशान नहीं था। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा शिव कि मैं कौन हूँ और वह महल कहाँ गायब हो गया। हाँ, निसंदेह यह मेरे आश्चर्य की बात है, लेकिन इस बात की प्रसन्नता भी है कि मेरे माता पिता पुनः जीवित हो उठे। यह सब चमत्कार इन दोनों कलशों का है। मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरा नाम वंदना है, वही पर्वत की राजकुमारी जिसे तुम महल के भीतर सोने की मूर्ति के रूप में देख चुके हो। आज से 3 वर्ष पहले की बात है, राक्षसों के राजा राक्षस राज ने हमारे पर्वत देश पर आक्रमण कर दिया और मेरे पिता राजा पर्वत राज को बंदी बनाकर हमारे देश पर कब्जा कर लिया और मुझे अपने साथ विवाह करने के लिए जोर डालने लगा। लेकिन मेरे इनकार करने पर उसने मुझे सोने की मूर्ति बनाकर उस मायावी महल में कैद कर दिया। क्योंकि मैंने बातों ही बातों में यह मालूम कर लिया था कि उसकी मायावी शक्तियाँ इन्हीं दोनों कलशों में हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इन्हें प्राप्त करने के लिए कहा था। इन्हें लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनकी रक्षा के लिए राक्षस राज ने अपना एक शक्ति दूत पर्वत के गर्भ में रख छोड़ा था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने भोर होने से पहले ही पर्वत कैसे खोद लिया और उस दूत को मारकर यह दोनों कलश कैसे ले आए। यह भी मात्र संयोग है, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। फिर शिव ने उसे परी रानी से मिलने और उनकी दी जादुई कुदाल के बारे में सब कुछ बता दिया। लगता है प्रभु भी हमारी सहायता कर रहे हैं। अब मैं आसानी से राक्षस राज को उसी की शक्तियों से पराजित कर अपने पिता और देश को आजाद करा सकती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, भला कलशों में राक्षस की कैसी शक्तियाँ छुपी हुई हैं? यह तो सोने चांदी के साधारण कलश मालूम पड़ते हैं। अभी मालूम हो जाएगा, लाओ दोनों कलश मुझे दो। राजकुमारी ने दोनों कलश लेकर जैसे ही उन्हें उल्टा किया, उनमें से राक्षस और दानव निकलने लगे। देखते देखते उनकी विशाल फौज खड़ी हो गई। हमारे लिए क्या आज्ञा है राजकुमारी? तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलकर राक्षस राज का वध कर मेरे पिता और देश को आजाद कराना है। हम तैयार हैं। तब राजकुमारी शिव को संबोधित करके बोली, शिव तुम मेरे लौटने तक अपने माता पिता के साथ यहीं रहना, हो सकता है मेरे पिता तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। ठीक है। और राजकुमारी वंदना उस फौज को साथ लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद, ओह राक्षस राज अपनी सेना के साथ आ रहा है, शायद उसे मेरे आज़ाद होने और यहाँ पहुँचने के बारे में अपने राक्षस दूत से मालूम हो चुका है। सुनो, राक्षस राज अपनी सेना लेकर आ रहा है, वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। चिंता न करो राजकुमारी, आज उसकी मौत निश्चित है। शीघ्र ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अरे मूर्ख लड़की, तू अपना शरीर जरूर पा गई, लेकिन राज्य और पिता कभी नहीं पा सकेगी। यदि भलाई चाहती है तो भाग जा यहाँ से। मूर्ख राक्षस राज, मेरी चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर। इस समय तेरी सारी मायावी शक्तियाँ मेरी मुट्ठी में हैं। मेरी गुलाम शक्तियों, दुश्मन सामने है, टूट पड़ो और एक एक को चुन चुन कर मार डालो। सैनिकों, टूट पड़ो दुश्मनों पर और इस मूर्ख लड़की के साथ सबको खत्म कर दो। तुरंत दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में राजकुमारी वंदना और राक्षस राज दोनों ही भाग ले रहे थे। शीघ्र ही राक्षस राज राजकुमारी वंदना के हाथों मारा गया। आई,
और अपने राजा को मरते देख राक्षस राज के सैनिकों ने हथियार फेंक दिए। राजकुमारी वंदना की जय, राजकुमारी अमर रहे। फिर राजकुमारी राक्षस राज के किले में गई और उसने अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। पिताजी, बेटी वंदना, तुम ठीक तो हो ना बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची बेटी? और वह राक्षस राज? राक्षस राज मारा जा चुका है पिताजी, और अब हमारा देश आज़ाद है। क्या? लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ बेटी? वह तो बहुत शक्तिशाली और भयानक था। यह सब एक बहादुर युवक की मदद से संभव हुआ है पिताजी, मगर अब आप महल में चलकर पहले थोड़ा आराम कीजिए। महल में पहुंचकर वंदना ने अपने पिता को सारी कहानी कह सुनाई। निसंदेह उस युवक ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटी। कहाँ है वह? हम उससे इसी समय मिलना चाहते हैं। वह पर्वत के ऊपर अपने अपाहिज और अंधे माँ बाप के साथ मेरा ही इंतजार कर रहा होगा। ठहरिए, मैं सैनिकों को भेजकर अभी उन्हें बुलवा लेती हूँ। शिव और उसके माता पिता दरबार में हाजिर हुए। बेटा, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। बोलो, तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम जो कहोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है महाराज। काश किसी तरह मेरे माता पिता को अपनी आंखें मिल सकती। बस इतनी सी बात है? ठहरो। तुरंत राजा ने राजकुमारी के कान में कुछ कहा और राजकुमारी वहां से चली गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने एक छोटी सी डिबिया लाकर राजा को दी। उसमें रखा कोई द्रव्य राजा ने शिव के माँ बाप पर छिड़का तो वे तुरंत उठ खड़े हुए। अब वे देख भी सकते थे। बेटा शिव, माँ, बापू। बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को पहली बार सशरीर देख प्रसन्नता से फूले ना समाए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। मेरा बेटा, इस मातृ पितृ भक्त बहादुर के लिए और भी कुछ करना चाहिए, क्यों ना उसको अपने देश का सेनापति बनाए। राजा ने वैसा ही किया और सेनापति शिव प्रसाद जी अपने माँ बाप के साथ उसी देश में आनंदपूर्व रहने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।